हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की रसोई में। आज मीत की रसोई में बनने जा रही है लौकी और वड़ियों की सब्जी। आज कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी और बहुत ही हेल्दी होती है, जो कि हम बॉयल राइस के साथ खाएंगे। तो आज सिंपल सादा खाना है मीत की रसोई में। तो देखिए वड़ियाँ और लौकी कैसे बनती हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे दो प्याज लिए हैं, आधा किलो लौकी ली है जिसको हम छील के धो के काट लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 8-10 गुलियाँ हमने गार्लिक की ली हैं, लहसुन की ली हैं और धनिए का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम लौकी को छील के काट लेंगे, तो अदरक को भी काट लेंगे और लहसुन को भी बारीक बारीक हम काट लेंगे, चॉप कर लेंगे। हरा धनिया भी धो के हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे लौकी वड़ियों की सब्जी बनाना। वड़ियाँ भी कई तरह की होती हैं, मूंग दाल की होती हैं, माँ दाल की होती हैं, धुली दाल की, मिर्ची वाली होती हैं, बिना मिर्ची वाली होती हैं। और मैं जो आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ, मैं मूंग दाल की वड़ियाँ जो कम स्पाइसी होती हैं उनका इस्तेमाल करूँगी। तो हम ये जो सब्जी है रस मिसी बनाएंगे, हल्की सी ग्रेवी, ज़्यादा नहीं। तो एक कुकर में हमने ये 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है और सबसे पहले इसमें मैं वड़ियाँ जो हैं उनको भून लूँगी। 6 वड़ियाँ मैंने ली हैं, ये 3 लोगों के लिए सब्जी है, तो आधा किलो लौकी है। तो मैं पहले मीडियम आंच पे इन वड़ियों को भून लूँगी। 2 चम्मच हमने तेल डाला था। ये देखिए वड़ियाँ भुन चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं। भूनते हम इसलिए हैं कि बाद में जब सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो इनका कच्चा टेस्ट ना आए। तो अब हमने उसी तेल में जो बचा है ऑलिव ऑयल, उसी में हमने छोटे छोटे 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है और जो हमने गार्लिक लिया था, लहसुन लिया था 8-10 तुरियाँ, वो चॉप करके डाल दी हैं। अब इसको हम मीडियम आंच पे भून लेंगे जब तक हमारा मसाला जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, पिंकी सा नहीं हो जाता। हमें इसको कोई पूरा भूनने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको ब्राउन काला करना है, तो इसको हम बस ट्रांसलूसेंट सा होने तक ही भूनेंगे। और ये मैं फ्लेवर के लिए करी पत्ता 8-10 डाल रही हूँ, मुझे करी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो करी पत्ता मेरे घर में ही लगा हुआ है तो मैं इसका खूब इस्तेमाल करती हूँ, वैसे भी हेल्दी होता है इसका इस्तेमाल करना। तो देखिए हमारा जो मसाला है पिंकी सा हो गया है। अब हम सूखे मसाले डालेंगे। ये मैंने धनिया डाला है 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है, और अब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच और हल्का सा इसको भून लें। अब 1 बड़ा टमाटर हमने चॉप करके डाला है, तो पका हुआ आप टमाटर लें। 1/2 कटोरी पानी डाला है, वो इसलिए कि हमारा मसाला, क्योंकि हमने घी तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया है तो हमारा मसाला जो है वो जले नहीं, नीचे तले से लगे नहीं, तो इसलिए हमने 1/4 कप, छोटी कटोरी था तो 1/4 कप पानी डाला है। अब हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने हल्दी ली है, तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई ली है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बढ़िया लौकी की सब्जी और बॉयल राइस के साथ ये फरमाइश मेरे बच्चों की है, उन्होंने खानी है, तो वो लाल मिर्ची खाते नहीं हैं, तो मैं फिर काली मिर्ची का इस्तेमाल करती हूँ। तो ब्लैक पेपर पाउडर मैंने 1/4 स्पून डाला है। अब हम इसमें बढ़िया डाल के इनको फिर से भून लेंगे मसाले के साथ, लौकी को भी डाल के हम इसको सबको भून लेंगे अच्छे से। जो मसाला हमने बनाया है वो खड़ा खड़ा ही मसाला है, उसमें हमने वड़ियाँ डाली हैं, लौकी डाली है। अब इसके बाद हम इनको भूनेंगे अच्छे से, लौकी भी अपना पानी छोड़ेगी, मसाला भी छोड़ेगा, उसी में जो वड़ियाँ हैं वो अच्छे से भुन जाएंगी, नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी।
तो अब हम इसको सारी सब्जी को मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। तो इसको हम 5-10 मिनट के लिए तो भूनेंगे मीडियम आंच पे। देखिए लौकी ने भी अपना पानी छोड़ा है, मसाले ने भी पानी छोड़ा है, जो टमाटर हमने डाले थे उसने भी अपना पानी छोड़ा है। तो जैसे वो पानी छोड़ेगा हम सारी सब्जी को भूनेंगे अच्छे से, तो मसाला अपने आप मैश हो जाएगा उसी में ही। तो इसके वो 8-10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ज़रूर भूनें सब्जी को, ऐसे खुला रख के, तो बीच बीच में चलाते जाएं, भूनते जाएं। अब हमारी सब्जी जो है भुन चुकी है और अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाला है और अब हम इसको विसल दिलाएंगे कुकर की सीटी लगा के। तो पानी इसलिए डाला है मैंने क्योंकि मैंने चावल उबालने हैं इसके साथ, राइस बॉईल करने हैं, तो ये रस्मी सी सब्जी होएगी तो वो चावल के साथ खाई जाएगी। यकीन मानिए ये उबले चावलों के साथ सब्जी बहुत स्वाद बनती है, बहुत स्वाद लगती है। तो मेरे बच्चे जब लौकी नहीं खाते ना तो मैं उसमें वड़ियाँ डाल देती हूँ, वो थोड़ा सा तीखापन उसमें आ जाता है, और चावल बॉईल कर देती हूँ तो वो लौकी की सब्जी भी खुशी खुशी खा लेते हैं। इसको हम विसल होने के बाद 10 मिनट तक सिम पे पकाएंगे ताकि अच्छे से सब्जी मिक्स हो जाए। और आप इसको खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं तो कम देर के लिए रख सकते हैं, 1-2 विसल में उतार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लौकी की सब्जी अच्छे से मैश हो जाए तो आप सिम पे थोड़ी ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छी लगे। तो मेरी ये सब्जी तैयार हो चुकी है, बहुत डिलीशियस दिख रही है और स्वाद में भी बहुत लाजवाब बनी है। तो इसको मैं चावल उबाल के उसके साथ सर्व करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं अगली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।